एवरीवन, कैसे हो? वेलकम है आपको मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए नया डिश लाई हूँ जो परवर की सब्जी है। तो हम वो सूखा मसाले वाला बनाएंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। उसमें भी मैंने 2-3 टिप्स दिए हैं, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये ऐसा सब्जी है कि आप वो जैसे 2 दिन के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं, आपको रास्ते के लिए खाना चाहिए, कोई स्टेशन का खाना नहीं खाता है, तो आप ये बना सकते हो। ये 1-1.5 दिन तक चल जाएगा और आपका पूरा रास्ता घर के खाने से ही पेट भर जाएगा। और ये आप किसी से भी खा सकते हो, पूड़ी, दाल चावल, रोटी, नान, जो भी आपको पसंद है आप उससे खा सकते हैं। कोई कोई तो सब्जी ऐसे ही चम्मच लेके खा लेता है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत काली सब्जी भी अच्छी लगती है। तो चलिए, वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो आइए देखते हैं। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा आप ये वीडियो। वीडियो थोड़ा बड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको बोर नहीं करेगा, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप आपको बताई है कि कैसे बनाना है, मैंने कोई स्किप करके नहीं बताया है। तो एंड तक ज़रूर देखिए, थोड़ा सा खाली बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा और आप भी बनाइए घर पे ऐसे और सीखिए मैंने कैसे बनाई है। यहाँ मैंने 5 परवल लिया है और 4 आलू लिए हैं, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं, और एक कांदा लिया है। तो इसको हम काट लेते हैं और मैं बताती हूँ कि कैसे काटना है। मैंने काट के धो लिया है, तो आपको एक परवल को 4 हिस्से में काटना है, जैसे 2 लंबे में और बाद में जो 2-2 है उसको और 2 करना, तो 4 हिस्से में काटना है। आलू को भी मैंने बड़े बड़े काट लिए हैं और धो लिए हैं। एक फ़ोरन के लिए मैंने कांदा लिया है और एक टमाटर लिया है, तो इतना ही बड़ा काटना है। ये बड़ा काटने से ये होता है कि आप तुरंत ऐसे डालोगे उसमें गलेगा तो पूरा आपका जो भाजी है वो टमाटर में मिक्स हो जाता है। यहाँ मैंने फ़ोरन के लिए किया है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने एक कांदा फ़ोरन के लिए लिया है, और फ़ोरन में हमको एक तेज़पत्ता, एक इलायची का जो छिलका रहता है वो, और जीरा 1/2 चम्मच, 4-5 ये काली मिर्च, 2-3 लवंग, 2 मिर्ची तीखा वाला, और 4-5 कलियाँ ये लहसुन के, और 1 छोटी इलायची, ये आपको फ़ोरन में जाएगा। मसाले के लिए हमने धनिया लिया है 1.5 चम्मच, और जो मैंने छिलका डाला था उसमें उसके अंदर का इलायची, बड़ी इलायची का इधर डाला है, 1 छोटी इलायची ली है, दालचीनी ली है, जितना तीखा चाहिए उतना आप मिर्ची डाल लीजिए, लवंग डाला है 5-6, और काली मिर्च है, और खसखस है, देख सकते हैं आप खसखस है। तो इसको हम पहले कढ़ाई में गरम कर लेंगे, मतलब सेक लेंगे, जो इसका पानी और सूख जाएगा, तो हमको मिक्सी में सूखा ही पीसना है, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि हम भाजी आज सूखा मसाले वाला परवर की भाजी बनाएंगे। तो चलिए इसको मैं सेक लेती हूँ। पहले गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दिया है गरम होने के लिए। जब तक गरम होता है तब तक मैं मसाला वगैरह पास में ले लेती हूँ। तो ये कढ़ाई गरम हो गया है, तो जो ये हमने मसाला लिए है पीसने के लिए, पहले उसको हम सेक लेंगे, क्योंकि हमको सूखा ही पीसना है। तो ये क्या, सेकने से क्या होता है कि जब आप मिक्सी में पीसते हो तो आपका ये पाउडर हो जाएगा। तो चलिए इसको ऐसा चलाते रहना है। ये चटक गया है, मतलब ये हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसको हम उतार लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। लिया है, अब हमको भाजी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए हम पहले फ़ोरन देंगे। तो फ़ोरन के लिए सरसों का तेल मैं इस्तेमाल करूँगी। ये सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो आप फ़ोरन डालेंगे उसके। तो ये तेल गर्म हो गया है, तो हम इसमें फ़ोरन डाल देंगे। मैंने लहसुन भी छोटे छोटे काट लिए हैं। ये हल्का ब्राउन होने तक इसको पकाना है, इसके बाद हम कांदा डाल देंगे। मेरा कढ़ाई पहले से गर्म था, क्योंकि मैंने मसाला फ्राई किया था, तो इसके लिए मेरा तेल गर्म होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा।
अब हम इसमें कांदा डाल देंगे। और कांदे को भी हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए हल्का ब्राउन हो गया है, ये पक गया है। अब इसमें हम परवल डालेंगे, जो परवल हमने काट के रखा है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने का उसको ढक के पकाना है। ये तब तक पकाना है जब तक ये बोलते हैं ना सिकुड़ नहीं जाता, इसका पानी नहीं सूख जाता थोड़ा, तब तक हमको इसको पकाना है। तो चलिए जब तक वो परवल पक रहा है तब तक हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। तो मिक्सी में ये डाल के इसका पाउडर बना देंगे। तो ये देखिए ये मैंने मसाला पीस लिया है, देखो ये बारीक हो गया है। तो ऐसा ही सूखा ही यूज़ करना है हमको। तो इसको चलिए हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए ये मसाला मैंने निकाल लिया है, तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि परवर हुआ है कि नहीं। देखिए ये अभी तक थोड़ा ही हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको और पकाना है परवर को। इसके बाद हम आलू ऐड करेंगे। ये देखिए अब हमको इसमें आलू ऐड करना है, तो आलू ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसको पकाना है जब तक थोड़ा आलू थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं हो जाता, मतलब थोड़ा ही ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम नमक हल्दी और मसाले ऐड करेंगे। ये आलू भी थोड़ा ये हो गया, पक गया है, मतलब आप देख सकते हो साइड से थोड़ा हल्का सा ट्रांसफर्म हो गया है। तो हम इसमें ये जो भुना हुआ मसाला है वो डालेंगे। हल्दी डालेंगे आधा चम्मच और स्वाद अनुसार नमक। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे, लेकिन एक मिनट के बाद डालेंगे। इसको थोड़ा मसाले को भाजी के साथ भून लेना है। तो देखिए ये जो तेल आप बोल रहे हो ज़्यादा दिख रहा है, ये बाद में आपको ऐसा ज़्यादा नहीं दिखेगा। देखिए मसाला थोड़ा भून गया है और इसमें अब हम वो जो चार इसमें काटा था टमाटर वो डाल देंगे। और इसको हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। और प्लीज़ पीछे का आवाज़ अवॉइड करना क्योंकि मेरी बच्ची खेल रही है। तो चलिए इसको हम लोग मीडियम इस पर पकाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये टमाटर सॉफ्ट हो गया है, तो हम इसको क्या करेंगे फोड़ लेंगे साइड में लेके। तो चलिए मैं फोड़ लेती हूँ। तो देखिए मैं टमाटर फोड़ लिया है और ये जो टमाटर फोड़ने के बाद जो छिलका रहता है उसको साइड में निकाल देना है। आप देख सकते हो आलू भी थोड़ा गल गया है, देखिए टूट रहा है। देखिए आपको कहीं भी टमाटर नहीं दिखेगा। और ये सबका क्वेश्चन होगा कि इसमें आपका तेल ज़्यादा लग रहा है, कि तेल ये ज़्यादा नहीं है। टमाटर अभी मैंने फोड़ा है ना, तो उसका वो जो जूस है और वो तेल दोनों मिक्स हो गया है। और ये आप एक डेढ़ दिन भी रख के खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और जो ट्रेन में जाता है, जैसे दो दिन का सफ़र रहता है कि मैं रास्ते में क्या लेके जाऊं, तो आप पराठा पूरी बना लेते सब्जी में क्या, तो ऐसा आप सूखा भाजी बनाएंगे जैसे मसाला फ्राई करके फिर उसको पीस के सूखा बनाएंगे, तो आपका है ना ट्रेन में ये एक डेढ़ दिन तक ये सब्जी चल जाती है और पूरा आपका सफ़र घर के खाने से ही आपका हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन हम थोड़ी देर रखेंगे क्योंकि अभी टमाटर हमने इसमें मैश किया है। तो थोड़ी देर रखने के बाद ये आलू और सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो ये परवर भी देखो मैंने कैसा डाला था और ये कैसा हो गया है। देखो इसमें भी पूरा मसाला घुस गया, आप देख सकते हैं पूरा सिकुड़ गया है। तो ये ऐसा होना चाहिए। और ये बहुत से लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, जैसे शादी ब्याह में पहले परवर को डीप फ्राई कर लेते, आलू को डीप फ्राई कर लेते। तो मुझे खाली थोड़ा ही बनाना था, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। जब ज़्यादा कोई बना रहा है, जैसे शादी ब्याह है, फंक्शन है, घर में खाना बना रहे, तो आप ऐसा डीप फ्राई करके सब बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों भी एक जैसा ही आपको लगेगा। तो चलिए ये होने के बाद मैं आपको निकाल के बताऊँगी कि कैसा दिखता है। ये देखिए ये भाजी हो गया है। तो देखिए कैसे पता चलेगा, देखो ये जो आलू मैंने काटा है देखो टूट रहा है।
तो ये भाजी ऑलमोस्ट हो गया, मसाले भी फ्राई हो गए हैं। तो चलिए मैं इसको आपको प्लेट में निकाल के बताती हूँ। तो ये देखिए भाजी तैयार है और कितना अच्छा लग रहा है। इसको आप रोटी वगैरह, दाल चावल, पराठा, पूड़ी किसी से भी खा सकते हैं, नान हो गया तो आप खा सकते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है देख के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको कैसी लगी मेरी ये सूखा परवर की सब्जी? जैसे परवर फ्राई भी बोल सकते हैं, सूखा सब्जी भी बोल सकते हैं, सूखा मसाला सब्जी भी बोल सकते हैं, जिसको जैसे पसंद आएगा वो बोल सकता है। तो मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी है। तो पसंद आई हो तो आपके फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर करना मेरा वीडियो, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो फटाफट जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही थोड़े बहुत मैं टिप्स देती रहूँगी और धीरे धीरे अच्छे अच्छे रेसिपी आपको लाती रहूँगी। और ये भी एक यूपी का ही डिश है जो मैं आपके साथ शेयर किया है, जितना मैंने प्रेजेंट किया कर सकती थी उतना मैंने किया। तो आप उस ये वीडियो पे प्यार बनाए रखना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।